सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हो जल्दी से कमेंट करो। तो गाइज, अक्षय कुमार की एक और रीमेक आ चुकी है सेल्फी, जिसका ट्रेलर के ऊपर मैंने रिव्यू नहीं कर पाया था, इसीलिए उसके सॉन्ग के ऊपर रिव्यू करूंगा। और हाँ, मैं अभी इसके बारे में जो भी बोलूंगा वो पर्सनली मेरा ओपिनियन है, इसीलिए तुम्हारा ओपिनियन कमेंट में बताना। सबसे पहली बात तो अक्षय कुमार हर 2 महीने में एक फिल्म ला देते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच उनका क्रेज नहीं रहा। अब इस बीच अक्षय कुमार बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म भी बना देते हैं ना, तो उसके आड़ में ये सारी फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। मेरा मतलब ये है, ये रीमेक के आड़ में जो अच्छी मूवीज भी बनती होगी वो सारी की सारी भी फ्लॉप हो जाएंगी। इसीलिए अक्षय कुमार को ये बात समझना चाहिए। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सेल्फी के लिए बिल्कुल भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। मैं 2023 में अक्षय कुमार की सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी के लिए एक्साइटेड हूं, जिसका नाम है छोटे मियां बड़े मियां। अगर हम इन सारी चीजों से हटकर गाने के ऊपर बात करें तो हम लोगों ने अभी अभी पठान का सॉन्ग सुन के आया था, झूमे जो पठान, और लोग उस गाने को सुनकर इतना ज्यादा नाच रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, देखकर मजा आ जाता है। और मैं खुद एंजॉय कर रहा था उस गाने को। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये गाना इतनी ज्यादा हिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही पुरानी सॉन्ग है, और ये भी अक्षय कुमार की फिल्म की ही एक गाना थी, और उसे उठाया गया, सीधा का सीधा यहाँ पर छाप दिया गया। अरे अगर आप रीमेक बना रहे हो तो अभी के हिसाब से थोड़ा बहुत तड़का तो लगाना चाहिए था ना, जिससे ऑडियंस खुश हो जाए। लेकिन नहीं, हमको तो बिल्कुल मेहनत करनी ही नहीं है, सीधा उठाना है और छाप देना है। और इतना ही नहीं, इसका जो डांस स्टेप है भाई, क्या गांजा फूंक कर बनाया था ये? क्या समझ वही नहीं आ रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? और साथ में इमरान हाशमी और अक्षय कुमार क्या डांस कर रहे थे, मतलब बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है। उस गाने को अगर फिर से आप देखोगे तो वहाँ पर हीरोइन का तो 10 से 12 बार क्लोजअप सीन होगा, मतलब कि कभी अक्षय कुमार जल्दी कर देते हैं इमरान हाशमी रह जाते हैं, और कभी इमरान हाशमी जल्दी कर देते हैं अक्षय कुमार रह जाते हैं। अरे सामान में डांस स्टेप करो ना। पर्सनली मुझे तो ये सॉन्ग उतनी ज्यादा हिट नहीं किया, मगर तुम्हें कर सकती है। और बोलते हुए बुरा लगता है, शायद ये मूवी 100 करोड़ की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप सॉन्ग के व्यूज देखो इतने कम है। इससे ये साफ पता चलता है कि कोई अक्षय कुमार की फिल्म देखना ही नहीं चाहता। अब मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बताया, तुम्हें कैसे लगा तुम कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय और गुड बाय।